जमूर है? तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों की अकल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला? जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ। खगा की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला, शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला, बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला, शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत, शिक्षा पैसे वालों की, सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। मैं तेरे इसको कुछ कह रही हूँ क्या? मैं क्या बोलूँ? पीछे पड़ा इतना बड़ा हो गया, अब भी बच्चन की तरह डरे। ना ना लगवाने का सुई। फिर वही बात, इसलिए बता के न गई, इतना सा भी दर्द ना होवे। ना ना लगवाने का सुई। शर्म तो ना आती तुझे, बहन जी तेरे खातिर बड़े अस्पताल से सुई लेके आई है, और जे कह रहा है मेरे लगवाने का सुई। अम्मा मैं ना लगवाऊंगा। कैसे नहीं लगवाएगा सुई? अरे क्यों पीछे पड़ी है छोरा के? जब नहीं लगवाना तो नहीं सही, कुछ जबरदस्ती है। तू घबरा मत रे, मैं बहन जी से बात कर लूंगी, वो तुझे सुई के बदले कोई गोली दे देंगी। ठीक है, तू तो हर बात में इसी की तरफ बोल रही हो, भले इसी का नुकसान हो जाए। अरे बस बस, बहुत बोलने लगी आजकल। आगे चले, मारे रहती है। कोई मारे नहीं रहती। अरे बस भी कर। चलेगी ना? मारूंगी एक धूल जमा के। बेन जी, अरे आ गए, आ जाओ, आओ बैठो। क्या हाल है? तुम यहाँ आओ, आ जाओ। ठीक हो? हाँ। अरे अब भी दर्द हो रहा है? हाँ। कितना दर्द हो रहा है? ऐसे ही कर रहा है, जरा सी सी तो चोट ही लगी है। तुझे लगती तो पता चलता बड़ी आई है। अरे चुप, बड़ा बोलने लगी है। कौशल्या ला तो, जो मैंने बताया था। रुई, टिंचर और सिपरेट। शाबाश। बहन जी, क्या सुई लगाना जरूरी है? चोट बड़ी नहीं है लेकिन खतरनाक है। अरे इसीलिए तो भागे में की सुई लेकर आई हूँ। अरे ना बहन जी, सुई मत ही लगाओ, छोरा बड़ा डर रहा है। क्या बात कर रही हो, सड़क पर चोट लगी है, टिटनेस की सुई तो लगेगी ही। बहन जी, सुई से तो बड़ा दर्द होगा। पता भी नहीं चलेगा। अरे इतना बड़ा लड़का रोता है कहीं? हाँ सुनो तो सही, बालक को मीठी गोली दे दो खाने को, बाई से ठीक हो जाएगा। मीठी गोली से नहीं, टिंचर से ही ठीक होगी, और सुई भी जरूरी है। बैठो। अरे बात लड़का है। Oh!
मैंने सुई लगा भी दी, बेकार में इतना उधम मचाया। अगर तुम इतना परेशान नहीं होती तो वो चुपचाप सुई लगवा लेता। बच्चों में इन सब चीजों का डर अपने माँ बाप की देखा देखी आता है। छोड़ो, ये टिंचर घर पे ही लगा देना, हाँ? लेकिन पहले अच्छी तरह साफ कर लेना, याद रहेगा ना? ले ले छोरी, आप इसे ही सब कुछ समझा दो बहन जी। जरा सी से चोट पे इतना उधम मचा दिया। चोट तो जरा सी है, लेकिन लापरवाही की जाए तो बात बढ़ भी सकती है। इसीलिए चोट को साफ रखना चाहिए, दवा लगाने चाहिए। ये लो, जैसे बताया वैसे कर लेना। हाँ, क्या नाम है तेरा? मूर्ति। कौन सी क्लास में पढ़ती है? जे ना पढ़ती। क्यों? बड़ी लड़की है। इतनी भी बड़ी नहीं है, मैंने तो इससे भी बड़ी बड़ी लड़कियों को स्कूल जाते देखा। जे मतलब ना है मेरा, मैं कह रही थी सब में बड़ी लड़की है। तो क्या बड़ी लड़की को स्कूल नहीं भेजते? जे बात ना है। तो फिर? बस जी, बड़ी लड़की है, घर के काम में हाथ बटावे है, बालकन को संभाले है। इसको भी स्कूल भेज दूं तो मैं तो इकली पड़ जाऊंगी। तो पौर शिक्षा केंद्र भेजो, दिन में कम से कम 2-1 घंटे तो निकाले सकती है। सोचना इस बारे में, कौशल अभी तो जाती है वहाँ। अरे समझ लिया, छोरा को दवाई कैसे लगानी है। दे। अच्छा जी, राम राम। राम राम। राम राम। जे नाने की पढ़ने को। क्यों? बहन जी, जे गांव वाले ना जे ऐसे हो गए। शहर में भी यही हाल है, मुझे पता है। मैं भी तो हूं अपने माँ बाप की बड़ी लड़की। पे बड़ी ई की मात्रा री बड़ी, ल र ल र क ल र क, क पे बड़ी ई की मात्रा की लड़की, क म कमल, कमल आका डंडा कमला, बड़ी लड़की कमला। शाबाश राम प्यारी, छोड़ा बुसी, अब जे पढ़। जे कौन से? जे वाला? हाँ पढ़ू। हाँ, बड़ी बड़ी लड़की, लड़की कमला, कमला बड़ी लड़की कमला। बस कमला आ गया। यही तो मैं कह रही थी कि मतलब तो इससे है कि अक्षरों की पहचान है जाए, और चाहे धागे से लिख ले हो, चाहे मिट्टी से, चाहे कैसे बना ले हो, एक बार अक्षरों की पहचान है जाए तो पढ़ने में क्या दिक्कत है। अरे बात तो तेरी सही है, पर इतने ढेर सारे अक्षर कैसे बैठेंगे मेरे खोपड़िया में? 1-2 हो तो इंसान मगज पचा कर भी याद कर ले, यहाँ तो दर्जनों है। दो पग चल के कहे भगतनी काशी कितनी दूर। अरे पढ़ती रह, धीरे धीरे दर्जनों भी बैठ जाएंगे तेरी खोपड़िया में। 4 तो तुझे पहले पाठ के याद हो गए, 3 अक्षर और 1 मात्रा। 3 अक्षर और 1 मात्रा? हाँ, पहले पाठ के। पहले पाठ के? बालक के 4 अक्षर ताई, भूल गई इतनी जल्दी। बालक के? अरे बालक के कौन से 4 अक्षर हैं? ठहर कौशल्या और सुन, 4 अक्षर नहीं, 3 अक्षर 1 मात्रा। राम प्यारी ये पहला पाठ खोल, ये पढ़। बालक हिज्जे करके, ब में आ का डंडा, बालक, बालक
कितने अक्षर हुए? कितने कितने का मतलब? एक ही तो अक्षर है बालक। एक कैसे हुए? चार हुए ना, इतना भी ना समझते? तू चुप रह रही, मुझे समझाने की कोशिश मत ना करे। तेरी माँ की भी यही बात मुझे खराब लगे है, ना बड़ों का लिहाज है ना कोई हया, अपने से बुजुर्गों की गलतियां निकालना। क्या निकाल रहा है? ओहो, ये क्या हो रहा है? मैं तो बता रही हूँ। ना ना मतलब मुझे बता, मुझे बताने के लिए बैठी जो है ये सुशीला। कौशल्या ऐसे ना करते बेटा, तेरे घर में तेरी माँ पढ़ी लिखी है, फिर तो खुद उषा बहन जी से काम सीखने जाती है, तेरी समझ में तो जल्दी आ ही जाएगा। पर इसका मतलब ये थोड़ी हो बेटा कि सब तेरी रफ्तार से चले ना, ये ठीक ना? अरे रहने दे सुशीला, इसे बड़ा गुमान है अपने पे, तो इसी को बताने दे कैसे है गई चार अक्षर, मैं अभी तो सुनू। चल बता। अरे फूटना, मुंह में ताला पड़ गया क्या? वह एक आका डंडा, दो लव तीन का चार, एक दो तीन चार है ना चार? ओ मेरी मैया, अरे मेरी खोपड़िया में तो गोबर भरा है, मैं तो इसे एक ही अक्षर समझ रही थी। अब आ गई ना समझ में? आ गई मेरी दादी आ गई। देखा? और सुन कौशल्या, ये जो आका डंडा है ये मात्रा है, अक्षर नहीं। तो इस तरह चार चीजें तो तूने सीखी पहले पाठ की, और दूसरे के सीखे तीन। कौशल्या ये बता तो, ये क्या लिखा है? और राम प्यारी तू बता। माँ। शाबाश कौशल्या, इस पे बड़ी की मात्रा लिख के तो दिखा। शाबाश। अब ये देख, ये है गए तीन और पहले पाठ के चार, है गए ना पूरे सात। इसी तरह बाकी के भी आ जाएंगे। फिर भाई बात, अरे आठ दस अक्षर सीखना कोई मुश्किल ना है, पर मेरा पोता कह रहा है 50 से भी ज्यादा है, इतने इतने पहचाना मेरे बस का तो ना है। अरे धीरे धीरे सब पहचान जाएगी, घबराती क्यों है? मुझे पता है रे का होएगा मोसे और का ना होएगा। सुशीला इन तिलों में तेल ना है, तू बेकार मगज खपाती है रे। अच्छा एक बात बता, जे का है? क्यों बता ना, तुझे नहीं मालूम जे का है? मैं तुझसे पूछ रही हूं। अरे बता ना, जो भो है और का है? और जे का है? जे जे पलके हैं। और जे जे आंख है? आंख। और जे का आंख के अंदर? जे का बच्चों की तरह मेरे से पूछे जा रही है, तू बता तो। अरे पुतली है और क्या? और जे का है? जे पपोटे है। जे का है? जे पकोड़ा है। पकोड़ा? अरे पकोड़े जैसी नाक है और क्या है? नाक है। और जे का है? जे जे नथना है। और जे जे होंठ है। और जे 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 फावड़े है, फावड़े है? फावड़े जैसे दांत है। देखा जे जे जीभ है। जे का जे जे तालू है। और जे का है? जे दाढ़ी है। दाढ़ी है? दाढ़ी है जे? थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी। और जे का है? जे मेरे लाल लाल गाल है। और जे का है नारियल? जे खोपड़िया है, जे में गोबर भरा है ढेर सारा। बोली ये बोली। एक तो अरे जे क्या गिनने लगे? सात आठ, खैर एक मिनट, दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, चौदह
14 है क्या? सरी सर में तूने 14 चीजें पहचान ली। तो क्या, कैसे पहचान ली? ये भी कोई पूछने की बात है? अरे ये तो सभी को ही मालूम होवे है। क्या जन्म से ही मालूम होवे है? धीरे धीरे ही तो पहचाने। एक कौशल्या, अशर्फी जा रही है शायद, बुला के बुलाओ उसे। अनाथ डोले तो बूढ़े रहे पड़े, डंगर मवेशियों के भी बाड़े। हाँ, ऐसी हजारों चीजें हैं जिन्हें सब पहचाने हैं, अलग अलग शक्ल, अलग अलग रंग, अलग अलग रूप, पर देखते फट बता देवे कि भाई ये फलाने पेड़ का पत्ता है, ये ढिमकाना जानवर है, इस चिड़िया का ये नाम है, ये फलाने का भतीजा है, तो ये ढिमकाने का बेटा है कि नहीं। बाजी सलाम। सलाम अशर्फी, सलाम। बड़े मौके से आई तू? हम तो हमेशा मौके से ही आते। अच्छा अच्छा, तुझे खास काम से बुलाया है, फटाफट वही वाला गाना सुना दे। वो गाना हाँ? अभी लो। लहराए चुटीला बेरी रेशम को रंडवा। अरे चुप रे। ये राम प्यारी कह रही कि हिंदी के इतने अक्षर हैं इसे याद ना होने के, तो इसे तू वो गाना सुना दे जो कमला ने अभी लिखा है, मानस की आंखों वाला। अच्छा वो गाना? हाँ। जा कौशल्या ढोलक तला। छोटा है तो डर काहे का हो, छोटा है तो डर काहे का, तुझसे तो डरता संसार। मानस तेरी आंखें दो हैं लेकिन देखे चीज हजार, मानस तेरी आंखें दो हैं लेकिन देखे चीज हजार, फूल पत्तियों को पहचाने, पहचाने हर क्यारी को, हर सब्जी के स्वाद को जाने, खट्टे मीठे खारी को, इंद्रधनुष के रंगों को जाने, ओ लाखों का तू करे शुमार। मानस तेरी आंखें दो हैं लेकिन देखे चीज हजार, चिट्टों चिड़ियों दो पायों चौपायों को तू पहचाने, गांव शहर की गली गली चौराहों को तू पहचाने, मंदिर मस्जिद गिरजाओं गुरुद्वारों को तू पहचाने, दुनिया में लाखों चीजें हैं, देखे चीज हजार, मानस तेरी आंखें दो हैं लेकिन देखे चीज हजार, मानस तेरी आंखें दो हैं लेकिन देखे चीज हजार। ये तो तूने बिल्कुल सही बात करी है सरफी, इंसान इन दो आंखों से जाने क्या कुछ देखता है। देखता ही नहीं, याद भी रखता है, समझता भी है, यही तो फर्क है आदमी और जानवर में। सही बात है। सही बात है तो फिर इन अक्षरों में ऐसा क्या है जो अलग अलग ना पहचाने जाएंगे? हाँ? क्यों? बड़ी लड़की, बड़ी लड़की कमला को ला कला की, बड़ी लड़की कमला कला की ला ल ला ल लाड ल लाड ल ला में बड़ी ई की मात्रा ली, लाड ली लड़की कमला क
गला की लाडली लड़की कमला। पढ़ लिख के ही किस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़ लिख के साथ मर्द के चल पाएगी औरत। औरत जो पढ़ गई तो वो दब कर न रहेगी, हरगिज नए समाज के जुल्मों को सहेगी। पढ़ने के हक को पाने की औरत ने है ठानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी।